ओम शांति। आज 17 जुलाई 2023 बाबा की साकार मुरली है, प्रातः मुरली है। ओम शांति बाप दादा मधुबन। मुरली का सार है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं और सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। भक्ति में तो देखिए, हमारा कुछ अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी होती थी तो कहते थे भगवान की कृपा हुई है। अभी तो भगवान स्वयं खुद आ गए हैं और हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। तीनों मुख्य रोल से हमारे सन्मुख है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें माँ बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, हमें मैनर सिखाते हैं, रोज डायरेक्शन देते हैं। टीचर बनकर इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं मनुष्य से देवता बनने की, और सतगुरु बनकर अंत में फिर साथ में घर भी ले जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें नशा चढ़ा दिया है। फिर आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा ने उत्तर दिया है कि बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वो दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। अभी हमारी बुद्धि का ताला खुला, मैंने हमें सब कुछ अभी समझ में आ गया है। बाबा इतना सत्य ज्ञान हमें देते हैं तो बाबा को हम वायदा करते हैं कि बाबा आप हमें जो भी सुनाते हैं और आप समान बनाने के लिए हमारे पीछे जो भी मेहनत करते हैं वो सब हम सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे। हम खुद भी आप समान बनेंगे और हमारे जैसा दूसरों को भी बनाएंगे, ये हम बाबा से वायदा करते हैं। क्योंकि हमारे हमजिन्स भाई के ऊपर हमें रहम दिल बनना है, उनको भी बाबा से वर्षा दिलाना है। फिर उस दिन गीत बजा था, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो माँ बाप अभी आए हैं, हमारे सिर से पाप की गठरी उतार रहे हैं और उनकी हमें अभी दुआएं लेनी है। कैसे लेनी है बाबा मुरली में बताते हैं, तो सुनते हैं बाबा से। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बाबा तो निराकार है लेकिन साकार में आए हैं और साकार माध्यम के द्वारा माँ बाप बन करके बाबा हमारी अभी परवरिश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये स्कूल भी है तो आप टीचर के पास भी बैठे हो। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो किससे सुनने? ज्ञान का सागर तो बाप ही है, जानते हैं वो परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने के लिए। देखो कितने नशे की बात है, भगवान परम धाम से हमारे लिए पधारे हैं और शिक्षक बनकर के हमें शिक्षा दे रहे, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है, उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है, बल पढ़ाते तो यहाँ ही है। माता पिता सन्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। बाबा कहते मैं यहाँ आया हूँ, साकार में हूँ, तुम बच्चे मेरे सन्मुख हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, फिर भी बाबा कहते हैं कि मुझे याद करना है निर्वाण धाम में। बाबा क्यों ऐसा कहते हैं कि बुद्धि का योग ऊपर में रहना चाहिए? क्योंकि बाबा भी याद दिलाते हैं कि बच्चे ड्रामा पूरा हुआ, अभी घर जाना है वापिस, तो घर जाना है तो फिर घर को याद करना पड़ेगा ना, इसलिए बाबा रोज बार बार याद दिलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को घर में याद करो। फिर बाबा कहते हैं हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णुपुरी के घर आएंगे, तो वो भी घर है और ये भी घर है। बाबा कहते परम धाम हमारा घर है, पिता का घर है, लेकिन बाबा फिर हमको भेजेंगे कहाँ? विष्णुपुरी में, तो वो भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है, पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है।
हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं आपको ससुर घर भेजने के लिए अभी लायक बना रहा हूँ। बाबा हमें देखो, हमारा कितना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, हमें गुणों से सजाते हैं, बाबा इतने अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को पहले याद करना है, फिर बाबा तुरंत मिसाल देते हैं कि माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। दुनिया में भी क्या करते हैं, माँ बाप जब कन्या को ससुर घर भेजते हैं तो उसके पहले उसको गुणवान बनाते हैं, उसको इतनी सारी शिक्षाएं देते हैं, माना समझ देते हैं कैसे बोलना चलना, सबसे कैसे व्यवहार करना, वो सब बात सिखाते हैं। तो ससुर घर जाएगी तो फिर माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है, अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं और डायरेक्टर भी होते हैं। दुनिया में भी क्या करते हैं, माता पिता बच्चों की रचना करते हैं ना, क्रिएशन करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन भी देते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं। तो यहाँ भी बाबा आकर के हमें पहले क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, फिर बाबा हमें रोज डायरेक्ट करते हैं, माना इतनी सारी श्रीमत देते हैं। मेरे बच्चों का मोह बाप में जाता है, अभी बाबा दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया में जो मेल बच्चा होता है उसका मोह बाप में जाता है, क्यों क्यों बाबा आगे बताते हैं। और बच्ची का मोह माँ के पास जाता है क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है, जो मेल होता है उसको बाप से वर्षा मिलता है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है, अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मण तो गाए जाते हैं ना, तो देखो हम उच्च कुल के अभी आभूषण हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण तो गाए जाते हैं ना, नामी ग्रामी ब्राह्मण, चोटी ब्राह्मणों का गायन होता है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो, तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो, मुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं, एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो आज की सारी मुरली में हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा हम जागरूक रखे कि हम माता पिता टीचर और सतगुरु के सम्मुख बैठे हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न शौर्य कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा में पुरुषोत्तम वगैरह वगैरह जो क्वालिफिकेशन है देवता की, बाबा कहते हैं यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ करके बनना है। तो वो सब मैनर्स बाप हमें अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। तो हाँ, दैवी दुनिया में हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बन गए, अब बाबा आए हैं फिर से हमें पूज्य बनाने। बाबा कहते हैं पुजारी भक्त को कहा जाता है, नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनने का वर्षा बाप पिगर कोई दे न सके। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो बाबा कहते हैं तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी हमेशा हमारी कॉन्शियसनेस में हमें रखना है, हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। तो यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है, सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। बाबा कहते हैं सतयुग में जो देवता होंगे वो भी तो है तो मनुष्य, और कलयुग में जो हम पतित बन गए हैं तो वो भी तो है मनुष्य। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। हाँ बाबा क्यों ऐसा कहते हैं,
बाबा आगे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, मनुष्य देवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम देवी गुण वाले बनते हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये तो सहज समझने की बातें हैं। तो बाबा ने सहज समझने की बातें करके बता दिया कि मनुष्य में ही समझ है, बुद्धि है, जिसको विवेक कहते हैं, उसके आधार से वो आसुरी गुण से दैवी गुण वाला बनता है। बाबा कहते हैं जानवरों में अपना जीवन चलाने जितनी नहीवत बुद्धि है उसमें इतना विवेक नहीं, ना उनके पास बेचारे के पास वाचा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जानवर को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है, 84 जन्मों के चक्र का रहस्य और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो बाबा यहाँ जो 84 चक्रों का हमें जो राज बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो सतयुग की पहली गद्दी की जो 9 लाख आत्मा है उनका ही पूरे चक्र में जो पार्ट है उसके बारे में बाबा हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। देखिए बाबा ने ज्ञान दिया, अभी सारा दिन हमें अभी संगम युग में बुद्धि में वो चक्र चलाना है, उसका रहस्य बाबा बताते हैं कि स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे परंतु वो भी सिर्फ कृष्ण को देते हैं क्या चक्र, राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं व विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है ना, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। तो वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम हो। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्रवादी ने शास्त्र बनाए हैं वो आटे में नमक जितना सत्य है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि राधे कृष्ण बचपन के है वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और सत्य देवी दुनिया में तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, तो उसका जो कंबाइंड रूप है वो सिम्बोलिक है, विष्णु के रूप में बताया गया है, तो वो शास्त्रवादियों को नहीं पता है, इसलिए उसने खाली मेल के हाथ में चक्र दिया है, उसमें फीमेल को गुम कर दिया है। बाबा कहते हैं वास्तव में वो स्वदर्शन चक्र न कृष्ण का है, न नारायण का है, न विष्णु का है, वो तुम ब्राह्मण बच्चों का अभी संग युग में है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा ने वो रहस्य बताया। फिर आगे बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखो हमारी पढ़ाई कितनी वंडरफुल है, क्यों? क्योंकि हम गॉड फादर से पढ़ रहे हैं, वही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। देखो ये बाबा की महिमा है कि परमात्मा खुद ज्ञान का सागर है और मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है उसका वो बीज है, वो सत्य है, वही सत्य है और वो चैतन्य भी है। तो आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है, परमात्मा भी तो आत्मा है ना, परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं वही सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज है। वैसे हम आत्मा भी सत्य और चैतन्य है बाबा कहते कहा जाता है। शरीर को सत और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे क्योंकि शरीर तो जड़ है। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। जब चैतन्य आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, बाबा ने गर्भ का मिसाल दिया कि 5 महीने का गर्भ होता है तब तक वो जड़ है, जब गर्भ में 5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो फिर वो गर्भ की वृद्धि होती है। फिर भी बाबा ने एक रहस्य बताया कि 5 महीने तक जड़ होते हुए भी वृद्धि होती है गर्भ की, क्योंकि वो जिस शरीर से सस्टेनेंस करता है मदर के शरीर से, तो मदर के शरीर में तो आत्मा चैतन्य है ना, तो उनके द्वारा उनकी वृद्धि होती है। तो वृद्धि को तो बाबा कहते हर चीज पाती ही है, परंतु ये मनुष्य की आत्मा महान है। देखो सब सब चीज बाबा कहते हैं वृद्धि पाती है, लेकिन मनुष्य जो आत्मा है वो महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। बाबा कहते हैं जब महान होती है तो महिमा और जब गिरती है तो ग्लानि। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बाबा कैसे मिसाल देके समझाते हैं कैसे महिमा होती है कैसे ग्लानि होती है।
तो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब चर्च में गए तो बिल्ली को लेके गए। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते, है ना, चर्च में बिना परमिट के नहीं जा सकते। और बिल्ली को बाबा कहते परमिट मिल जाती है। तो बहुत मनुष्य कहते हैं कि कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ भी नहीं। हाँ कुत्ता भी क्या करता है, सर उठा के अपनी आवाज में जैसे कि बांग भरता है, भगवान को पुकारता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो जानता कुछ नहीं है, भगवान के बारे में उसको कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कॉन्शियसनेस में है कि कोई पावर है, तो वो ऊपर सर करके उसको पुकारता है। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ, बाबा वो फर्क बताना चाहते हैं कि जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है। तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी कि कोई भगवान का वरदान है, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। तो अंत में तो निकलेगी जरूर, प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रिया है। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। देखो बहुत रहस्य की बात है बाबा की, आप ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं बाबा तो एक है, हाँ भगवान एक है, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। हाँ तो बाबा जब शरीर में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ हो जाती है और शिव बाबा हमारा बाप है, जिससे वो शिव बाबा हमारा ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों की रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रिया है। तो जब ब्रह्मा के द्वारा रचने रचते हैं तो बाबा कहते हैं कि मैंने गोद लिया है, एडोप्ट किया है, तो उसी नाते हम देखेंगे तो शिव बाबा के पौत्रे पौत्रिया हुए। बाबा कहते इसमें बूढ़े व जवान आदि की तो बात ही नहीं है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी, बूढ़े हो या जवान हो, सब शिव बाबा के पौत्रे पौत्रिया है। हम शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पुत्री ठहरे। प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है। तो बाबा कहते कितनी सहज बात है, ये ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। देखो ब्राह्मणों का कुल क्यों बड़ा है, क्योंकि हमारे कुल की भी रचना बाबा ने की है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर है। बाबा जब आते हैं तो नई सृष्टि के झाड़ की कलम लगाते हैं, तो हम बच्चों के द्वारा ही तो लगाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस झाड़ के आप पहले पहले फाउंडर हो। ये ब्रह्मा संगम पर थूर में बैठा है, झाड़ का जो थूर है ना, थर्ड जो कहते हैं ना, उसी में ब्रह्मा बाबा बैठ के तपस्या कर रहे हैं। हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पौत्रे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो सारा दिन अभी हमें बुद्धि में रखना है कि हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रिया है। तो दुनिया में भी देखो उसी से अभी गवर्नमेंट भी लीगली हमको राइट देती है कि दादे का वर्षा पौत्रे पौत्रे को हक से मिलता है, तो यहाँ कायदा जैसे बना दिया है इस दुनिया में भी। तो बाबा ने आज बार बार याद दिलाया है कि हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रिया है, संग नई दुनिया का वर्षा लेने का हमको बाबा अभी हक दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ना, सबको भूल अशरीरी बनना है। तो बाबा आज याद दिला रहे हैं बार बार हमें अशरीरी बनने की, क्योंकि बाबा कहते हैं देह तो इस दुनिया में आके हमने धारण किया है, अभी घर जाना है तो इस देह को इसी दुनिया में छोड़ के जाना है, इसलिए बाबा रोज अशरीरी बनने का हमें अभ्यास करा रहे हैं। अभी हमको वापिस जाना है दादे के पास अथवा स्वीट होम जाना है, हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रिया है, बाप भी तो जरूर चाहिए बराबर। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, शिव बाबा के पौत्रे है, डाडे का ही वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं, उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहां दूसरा कोई रहता नहीं। देखो बाबा अभी हमें स्वराज्य दिला रहे हैं, अभी संगम युग में बाबा, हाँ कल भी बताया ना, स्वराज्य का अधिकार दिला रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि बाबा कहते हैं नई दुनिया में तुम सारे विश्व का फिर मालिक बनने वाले हो, और वहाँ अद्वैत नहीं, मीन्स कोई अद्वैत है, सॉरी, कोई द्वैत नहीं, माना न कोई दो मत है, न कोई दो धर्म है, न दो भाषा है, कुछ भी दो नहीं है, सब एक ही है, एक मत, एक राज्य, एक भाषा। तो बाबा कहते हैं वहाँ इतनी यूनिटी है, इसलिए किसी का डर नहीं है। और कल बाबा ने बताया ना, धर्म और राज्य दोनों सत्ता एक के पास में है, वहाँ भी उसमें भी अद्वैत है, तो इसलिए वहाँ किसी का डर नहीं है, वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं है, सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है, हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायोलेंस की और दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। तो डबल अहिंसक हम, डबल अहिंसक हैं क्योंकि हम स्थूल में भी कोई हत्या नहीं करते हैं, और हम काम कटारी चला के वो सूक्ष्म में भी कोई हत्या नहीं करते, इसलिए बाबा कहते हैं हम डबल अहिंसक हैं। सत्युग में हिंसा की बात नहीं होती, न जिस्मानी न विकार की, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भाती बनते हैं, हाँ, हम उस नए उस धर्म की हम शोभा बनते हैं, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। देखो, हम जब देवता बनते हैं तो मनुष्य नाम निकल जाता है, हम देवी देवता कहलाते हैं ना वहाँ, तो बाबा कहते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं। हाँ, तुरंत बाबा मिसाल देते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वो खुद ही जान सकते हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, तो जैसे वो इंजीनियर फिर इंजीनियर कहलाता है तो मनुष्य ही, तो वैसे बाबा कहते हैं देवी देवता भी फिर देवता कहलाते हैं, है तो मनुष्य, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है, तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आए हैं। देखो, हमारा बाप और टीचर परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने, तो हमें कितना नशा होना चाहिए, परमधाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहां जा न सके, हाँ, बाबा बिगड़ पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते इतनी ऊंची जगह से परे से धाम से बाबा आते हैं, जहाँ से एरोप्लेन भी नहीं आ सकता है, और बाबा तो पंख भी नहीं है, बिना पंख करके आ जाते हैं 1 सेकंड में, और हमको पढ़ाते हैं, तो रो जाते हैं फिर, तो बाबा कहते इतनी खुशी रहनी चाहिए, हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परमधाम में, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं, उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है। देखो, हमें कदर होनी चाहिए, बाबा रोज परमधाम से आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, स्पेशली आते हैं, और हम क्लास अटेंड नहीं करें तो बाबा का इंसल्ट है ना, तो हमें रोज बाबा से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को तो बहुत सर्विस करनी है, देखो हम बच्चों की भी सर्विस करते हैं, बीच में भी बाबा ने बताया ने, और भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। बाबा कहते हैं भक्त मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनकी सेवा करता हूँ, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नवधा भक्ति वालों की भी मैं दिल पूरी करता हूँ, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है ना, जो दुनिया में नवधा भक्ति करते हैं, माना एक की ही उनकी बुद्धि में एक के सिवा किसी की याद नहीं, उनका दीदार करने के लिए वो रात दिन बस पीछे पड़े रहते हैं, तो उसको नवधा भक्ति कहते हैं, तो बाबा उनको भी दीदार कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, तो बाबा कहते हैं नवधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो, आंखों से जोराधार आंसू बहाते रहते हैं, जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा के उनका जो भी आराध्य होगा ना, उनके पीछे वो आंसू जोराधार, माना इतना निरंतर आंसू बहाते रहेंगे, बाबा कहते इतनी तीव्र भक्ति करते हैं, तभी मैं उनको भक्ति का फल देता हूँ साक्षात्कार, तो बाबा को वहां भी सेवा करनी है, तो बाबा कहते वो तो है भक्ति मार्ग, तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, तुमको तो सन्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, भगवान वाच तो बराबर है ना, तो बाबा तो बहु रुपया है। बाबा कभी कभी आते थे ना तो ऐसा मजाक भी करते थे, बाबा कभी 1 सेकंड के लिए गुम हो जाते थे, फिर बाबा बताते थे कि बाबा को तो बहुत काम है, बाबा को तो भक्तों को भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बाबा खास कहते थे कि भक्तों की भी मंदिर में भीड़ लगी है, तो बाबा को वहां भी
जाना पड़ता है। तो भगवान वाच तो बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। बाबा कहते गीता में भी लिखा हुआ है कि हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। देखो बाबा ने ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस कहा, भगवान उवाच तो बराबर है। बाबा कहते शास्त्रों में लिखा है, उसमें खास गीता में लिखा है भगवान उवाच, तो भगवान शब्द ही इंडिकेट करता है कि पांच तत्वों से वो पार है, जन्म मरण से परे है। लेकिन भगवान किसको कहा जाता है वो पता नहीं है, सही परिचय नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, माना जो नंबर वन देवता है उसको भगवान समझ लिया। तो श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, बाबा कहते हैं वो भी तो यहाँ पढ़ रही है, हाँ वो भी तो बैठ पढ़ती है। बच्चे जानते हैं बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो, हम भी वही है, जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने, बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं, हम शिव के पौत्रे पौत्रिया है। आज कितनी दफा बाबा ने मुरली में कहा हम शिव के पौत्रे पौत्रिया है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है, ये तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। ये बात तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। देखो बाबा सन्मुख बच्चों से कितनी बात करते हैं, तो हमारे कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए कि भगवान हमारे सन्मुख बैठे हैं, ये सब भगवान हमें कह रहे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, अभी एक एक सेंटेंस सुनते जाएंगे, हम विजुलाइज करते जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने वाले सेंटेंस बताए हैं बाबा ने कि हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, कल पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। बाबा कहते देखते चलो कैसे इम्तहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, ये अंडरलाइन करने की बात है। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म हमारा कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे, बुद्धि में है, ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वो निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, तो बाबा कहते ऐसे तो कुछ है नहीं, सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी तो रावण राज है, अभी तो कहीं सोने के महल दिखाई नहीं देते हैं, अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सेल्वेज करते हो नरक रूपी विषय सागर से, हाँ भारत के बेड़े को हम अभी सेल्वेज कर रहे हैं नरक रूपी विषय सागर से। बाकी बाबा कहते हैं बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है, जो शास्त्रों में सब बताया है ना, बाबा कहते वैसी कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जलमर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे, बाबा कहते तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए। तो शास्त्रवादियों ने क्या क्या कहानियां बना दी कि सागर लगा के बच्चे जल के भस्म हो गए। बाबा कहते हम ज्ञान सागर के बच्चे ही काम चिता पर बैठ कर काले हो गए हैं। भारत के तुम देवी देवता कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो, बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। बाबा कहते आत्मा सुंदर थी फिर आत्मा विकारों रूपी जंक रखने से श्याम बन गई है। तो बाबा कहते हैं कि हम किसके आगे, ये बच्चे ही जानते हैं कि श्याम सुंदर हम ही थे और हम ही अभी ऐसा बने हैं। हम जिसके आगे बैठे हैं, सॉरी हम किसके आगे बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं। ऐसा कोई सत्य नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना, श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। बाबा कहते हैं हाँ उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना।
अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, बाबा कहते हैं, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ नहीं मिला, तो वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। हाँ, दुनिया में मिलता है हद के बापूजी से हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। और ये बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है ना। भक्ति में हमने प्रतिज्ञा की थी, कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, देवी गुण धारण कैसे किए, गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं बाबा कहते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। और तुम्हारा है ओरली। हाँ, गीता किताब पढ़ते थे, रोज एक अध्याय पढ़ने का नियम रखते थे, लेकिन बाबा कहते हैं जानते कुछ नहीं थे, समझते कुछ नहीं थे। पर यहाँ तो बाबा कोई हाथ में शास्त्र लेके हमें पढ़ाते नहीं है, बाबा ओरली हमें सब ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सन्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वो नशा बाबा कहते कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी बाबा कहते एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव तुम हो शालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे। हाँ, हम घर में थे तब निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापिस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे। हम जब थे घर में तो ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम निर्वाण धाम मूल वतन आदि कहते हैं। कहते ये सब नाम है, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, तो ये सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार है आज के दिन के लिए, पहली पॉइंट है पढ़ाई में मात पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, तो वो खुशी हमारी जानी नहीं चाहिए। दूसरी पॉइंट है अब हमें वापिस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। हाँ बाबा, इसलिए आज पक्का याद करा दिया है कि अभी हमें घर जाना है। फिर वरदान है आज के लिए, आवास से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर भी जरूर भव। बहुत अच्छा वरदान दिया बाबा ने। बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है और बाबा हमें भी मास्टर बीज बना रहे हैं। बाबा ने वरदान दे दिया मास्टर बीज रूप भव का। वो बाबा कहते हैं वो बहुत मास्टर बीज रूप बहुत ऊंची स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। बाबा ने उसको आज कर्मा स्थिति स्थिति भी कहा, या बाप समान संपूर्ण स्थिति भी कहा, या बाबा ने उसको मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति भी कहा। बाबा कहते हैं उसी स्थिति में यदि एक क्षण भी रह जाते हैं ना अमृत वेला, तो सारा दिन हमारे सब कर्मों में हमें इतनी अच्छी सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आवास से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है।
यहाँ मास्टर बीज रूप मास्टर सर्व शक्तिवान की ये स्थिति है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। ओम शांति। तो हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और मुरली समाप्त करेंगे।